हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज हम आलोचना करबा सौरिंद्र बारिकंक कवितार छंद मिथ प्रतीक चित्रकल्पर प्रयोग संपर्क एथिर मध्यम पिला माने प्रश्न आसी थाए। तो प्रथमे आम आलोचना करबा छंद संपर्क रे, जे सौरिंद्र बारिकंक कवितार छंदर प्रयोग आधुनिक कविता हेउछि कोन छंद अर्थानुसार, किंतु सेथिरे देखिबाको गले जुक्तता चरण सज्जा स्तवक विन्यास जतिपात एगुड़िक देखिबाको मिले नाही जे आधुनिक कविता गुड़िक रे। सेहिपरि भाबरे सौरिंद्र बारिकंक कविता गुड़िक जेहेतु आधुनिक कविता रहितला सेथिरे मध्य छंद क्षेत्र रे ए जो निर्दिष्टता को लक्ष्य करा जाय पारे। छंद हेउछि कोन एटी स्वतंत्र प्रयोगशीलतार केबे हेले अपेक्षा रखे नाही, भाव को अनुसरण करी आपणा को प्रकाश करिथाय। सामान्य कथन कविता संकलन रे निरोला गद्य रे लिखित कविता गुड़िक एही कविता संकलन रे स्थान पाई। एथिर गोटे कविता हेउछि बाबा ओ बुबू। एही कविताटी रे सौरिंद्र बारिक दर्शाई छंती से मूर्तिमंत बंचिबा जीवन व्याकरण रे विरल व्यतिक्रम नुहे केवल परिचित नियमटी। एपरि भावरे छंदर प्रयोग रहिछि। केवल तांकर सामान्य कथन कविता संकलन को देखिबा नाही, तांकर जो आ गोटे उपभारत कविता संकलन रहिछि, उपभारत कविता संकलन रे विभिन्न छंदर व्यवहार करा जाइछि। सेथिरे गोटे कविता हेउछि महाजात्रा। महाजात्रा शीर्षक कवितार कवि प्रकाश करिछन्ति तापरे शिखरी नाही जात्री नाही जात्रा नाही पुज्जटिका नाही झड़ नाही नीलिमा भी नाही आलू अंधार नाही आदि अंत किछि नाही ए जेमिति शेषर शेष शून्यर शून्यता धर्मवीर युधिष्ठिर नुहे लह लह युधिष्ठिर। छंद दृष्टिरु देखिले उपभारत कविता संकलनरे स्थानित नरक दर्शन, ए नरक दर्शन कवितारे छंद ओ शब्दर मनोज्ञ परिप्रकाश रहिछे। सेथिरे कवि दर्शाइछन्ति सत्य पई निरवरे निज स्त्री लाछना देखिबा सत्य पई वर्ष वर्ष घन घोर बनस्ते घुरिबा सत्य पई 18 दिवस निज भाई बंधु को मारिबा सत्य पई सबु माया ममता को छाड़ी एका एका बरफर पहाड़ चढ़िबा एवं शेष केउ सत्य पई एई एहा एई महा सत्य को लभिबा। एही जो कविताटी होउछि कोन ना नरक दर्शन। ए नरक दर्शन कविता कहिबा को गले सौरिंद्र बारिकंक प्रायतः कविता गुड़िक सेथिरे गद्य आ पद्य मध्यरे कोनोसी पार्थक्यता देखिबा को मिले नाही। आमे दुहें कविता संकलन गुड़िक रे मध्य सेहिपरि भावरे गद्य आ पद्य उभयर माने कविता गुड़िक रहिछि। कविता क्षेत्र रे सांगीतिकतार आवश्यकता प्रति एठारे कवि असतर्क नाहांती, किंतु निर्दिष्ट रीतिजुक्त जो छंद प्रयोग रहिछे सेथिरे से अविश्वासी। साधारणतः कथारे जदि आमे कहिबा ताहाले सौरिंद्र बारिकंकर जो कविता गुड़िक रहिछे सेथिरे कथा कहिबार छंद बा बाक छंदर व्यवहार करिछंती। मने रखिथांतु सौरिंद्र बारिकंक कवितारे बाक छंदर व्यवहार रहिछे बा कथा कहिबार छंद माने कविंक पई ए जो संगीतर लय तार अर्थरे भावर अनुरातन भित्तिरे छंदर सौंदर्य गठित बा परिवेशित। आकाश परि निबिड़ कविता संकलन रे कवि छंदर प्रयोग करिछंती जे ए कविता तुम पई तुम्हें पढ़िले हेला सेई ढेर। एपरि भावरे तांकर शैली रहिछि गद्य पद्य रे मिश्रित बा गद्य शैली देखिबाकु मिलिथे आ पद्य शैली मध्य देखिबाकु मिलिथे। जदि आमे गद्य शैली अनुसार कहिबा ताहाले कथोपकथन परि संलाप मध्ये व्यवहार करिछन्ति तांको कविता गुड़िक रे, जेपरी कि सार एथर आउ साइकल चलिबो नाही ए होछि कोन गद्य संलापर प्रयोग होइछि तांको कविता गुड़िक रे। एपरि भाबरे देखिबाकु मिलिथाय बापा आजि टु साइकल बन्द से बुढा हडार सबुदिन पई छुट्टी। एहिपरि भावरे मध्य पिला माने कथोपकथन संलाप को तांको कविता रे व्यवहार करिछन्ति सौरिंद्र बारिक। एतो थिला माने जो शैली रहिछि छंद रहिछि से संपर्क रे। वर्तमान देखिबा जे कविता रे मिथ मिथ्र व्यवहार किपरि भावरे सौरिंद्र बारिक करिछन्ति। जदि आमे मिथ को सौरिंद्र बारिकंक भाषा रे कहिबा ताहाले से कोन मत देथिले ना यहा हो जे को दार्शनिक वैज्ञानिक बा आध्यात्मिक
जहाँ किछि हेउना काहिंकि मनीष आगरे रहस्यमय सृष्टिर विभिन्न शक्तिगुड़िक मध्यरे जेउं अविरत संघर्ष घटि जाउछे, जेउं झड़ तोफान रे मनीष असहाय पत्रटिए परि क्वाडे उड़े जाउछे ताकु से बुझिबाकु चेष्टा करिछि, अथच अनेक समय रे बुझि पारुनि। सेइ सबु शक्तिगुड़िकर संघर्ष ओ प्रभावर नाटकीय वर्णना ताहाई हेउछि मिथ। एक कथाटि सौरिन्द्र बारिक कहिछन्ति बा तांको भाषारे, किंतु मिथ कहले कौन ना जो चिरंतन संघर्ष तार मानविक अवबोध होउछि मिथ। मिथ चेतनाटी मनीषर जीवन और जगत संबंध में कौन करथाय ना जुक्ति किंबा तर्क नुहे, एहा होउछि एक मनोवृत्ति सचेतनता जहाँकि मनीषर प्रतीकात्मकता चिंता और जो चेतना रही प्रकट करिबारे सब सफल होइथाय। महाभारतर चरित्र और कहानी को नहीं उपभारत और अनुभारत ए जो दुईट कविता संकलन रही महाभारतर मिथ गुड़ी को दुई गोटी कविता संकलन रे कवि गुरुत्व प्रदान करिसेंति। सामान्य कथन जो कविता संकलन कथा आम पूर्व आलोचना करूँ से सामान्य कथन कविता संकलन रे गोटे कविता रही कर्ण कविता आ गोटे कविता रही शकुनी कविता। ठीक अच्छे, योद्धा कर्ण आम कर्ण कविता संपर्क जब आलोचना करवा, योद्धा कर्ण केवल महाभारतर सीमा भितर जे कि उपेक्षित लुंठित किंवा अभिशप्त नुहंती, आज अनेक मनीष मानक भर आधिपत्य से कौन अवहेलित लाछित अपमानित समस्त प्रकार भाग्य प्रतिकूल परिस्थित कर्ण संग्राम भूमि को अवतरण कर कविता माध्यम रे कवि सौरेन्द्र बारिक परिप्रकाश करिछंती बा प्रकाश करिछंती कौन ना तथापि कर्ण तो जे मरी ना तुमे ताकु मारी पारिबनी, तेणु हे किरीटी थोई दियो गांडीब तुमर अस्त्रहीन अधर्म को नासी कलुषित कर ना धर्मर औचिल्य। कर्ण एठी कौन कर्ण एठी पुराण की इतिहास चरित्र नुहे, ताहा उचि देश काल को अतिक्रम करी जे मिथ रूपकटी आम भितर को सृष्टि करिछि ताहा अर्जुन को ग्रासिछि कर्ण तो जो सफलतार सिद्धि और गौरव जहाँकि कर्ण जीवन रोच व्रत तो ये तो थिला कर्ण कविता संपर्क में। ये कर्ण कवितार आपण मैंने जापार थे जो शकुनी कविताटी रचित होपर भाव शकुनी से हूँ कौन कूट कपटी, किंतु पुराण चेतन से हूँ कूट कपटी, किंतु सांप्रतिक मनीष मन भितर से अनेक जिज्ञासा और रहस्यमयता को आम भितर को टाणी आने। कवि सौरिन्द्र बारिक दर्शाई शकुनी कवितार जे असहाय कंकाल उपरे असहाय शकुनी मु कुढ़ कुढ़ कंकाल उपरे देखी मो पृथ्वीर सीमित दिगंत दुर्योधन पाचेरी घेरी मते मो छातीरे निया मो हाथ में मो पितार अस्थि। शकुनी जे कि निज भणजा दुर्योधन पक्षे युद्ध करिपारे मात्र तार मन भितर जो अग्निर वर्षा ताहा होची कौन आज मनीष होची कौन प्रतिशोधर बन्ही पर ठिया होई से शकुनी कवितार कवि दर्शाई जे जतु गृह जली जाए तेणु पसा काठी गड़ी गड़ी जाए अस्थि मोर माड़ी माड़ी जाए कुरुसभा तले जाज्ञ सेनी हुए विपसना। मामू शकुनी जे कि ध्वंसर प्रतीक भाव में कौन कर भणजा दुर्योधन पाखे उभा हो सांप्रतिक मनीष कि नुआ कथा नुहे। ठीक अच्छे, तो तांकर जो सब उपभारत और अनुभारतर जो सब कविता गुड़िक रही सब मिथ आधारित आपणार अति अंतरंग आवेग को कविता व्यक्तिगत अनुभव को मिथ माध्यम कविता गुड़िक उपस्थापन कर प्रत्येकटी उपादान सह तांकर स्पर्शकातर जो मानसिकता ताहा जोड़ी होइकी रहिछि तांकर जो अनुभूति रहस्यमय आवेग प्रवण तार जो अनुभूति को से कौन करछन ना कविता माध्यम रे परिप्रकाश करिछन। आकाश परि निबिड़ कविता संकलन रे गोटे कविता रहिछि कविता तुम पई एक कविता तुम पई। एक कविताटी रे कवि दर्शाई बिंदुए आकाश बिंदुए सूर्य को धरी मुहूर्ते जली उठे आउ बिंदुए अंतर को सही ज्वलन भितर रखे बास से मिथ व्यवहार देखा गले सौरिन्द्र कवित प्रचुर मात्र मिथ उल्लेख कर मिथ देखिपर मिथ्र प्रयोग जो उपभारत और अनुभारत कहली से कव्य ग्रंथ में पुराण चेतना और मिथ
मिथ चेतना दुईट जाक स्वतंत्र भाव में प्रतिफलित हो से जाज्ञसेनी चरित्र हो कि शकुनी कर्ण उत्तरा जेकोसी चरित्र हो समस्त चरित्र गुड़िक कहानी अवतारण से कवि एठार मिथ चेतनार प्रयोग कर आकाश पर निबिड़ एक कविता ग्रंथ रे गोटे कविता रही केबे तो किछि देई पारिलिनी केबे तो किछि देई पारिलिनी एही कविता रे मिथ लोक उपादानटी को आरोपित होई केउठारे ना जणे नारी ठारे जहाँ सहित तो से प्रात्याहिक जीवन रे देखा साक्षात तो आलाप आलोचना सुख दुख हस खुशी प्रेम राग रोष सबकि अवतारणा कर कवि से कविता माध्यम वर्णना करविताटे प्रश्न करमे किए डाहाणी चिरुगुणी ना पिताशुणी मालुणी अभा क्यों असुरणी तुम्हें आसवा दिन ठू मोर जमी कौन हो गला सब बदली गला लोक कथार मालुणी कौन निज कम लाड़सार चरितार्थपी दिन में मेढा और राति भेडा बनवा कहानी प्राय सब पाठक मैंने जाथ किंतु एठार कवि कौन कर तार आवेदन को मिथ आउ लोक उपादान उपरे निर्भरशील होगाक न देकि सी एक स्वतंत्र भाव में ये कविता माध्यम परिप्रकाश कर गोटे कविता संकलन रही आजर ईश्वर कविता संकलन सरी पिला आज ईश्वर हूँ कविता आज ईश्वर कविता ये कविताटी मनीष केमिति कपाल चिता गेरुआ वस्त्र निर्गुण निर्लिप्त आउ निर्भीक सन्यासी साजी खूब शीघ्र मनीष होगा बदल रे सहजरे से कौन ना ईश्वर पलटि जाऊँ जो तीर्जक दृष्टिभंगी भितर सौरेन्द्र बारिक से मानक कलाधन कैबल्य चांदर विभूति शिष्य पगल करुणारे एमानकर मोटे उणा ना बोली प्रकाश करिछंती एवं मिथ्र प्रासंगिकता को अवतारणा करिछंती किपरि भावरे आजर जुगरे ए सबुर किछि प्रतिकार करि हुएनी ताहा मध्य कविता माध्यम रे कवि एठारे स्वीकार मध्य करिछंती तांकर कविता होउछि ए जो गुणु गुणु चित्रपट कविता संकलन रे तांकर कविताटी स्थान पाइछि आजर ईश्वर एथिरे कवि दर्शाइछंती पिंपुडी गातरे गुडठु महामहा पांठि पर्यंत सबुठि हात खोला सीए दाता हरिश्चंद्र सीए भी दधीची अन्यर हितार्थे खाली तांकर संचय जेते सबु कुबेर भंडार ए जो कविताटी पुराणर चरित्र दधीची हरिश्चंद्र यह माध्यम आजिरो मनीष किपरि भावरे सेमानंकर अवतार साजी तांकर गुण गारिमारे कालीमारो गार टाणी देउछे ताको कवि तीर्जक भावरे एही कविताटी परिप्रकाश करिछंते सेपरी भाव में जदि आम देखा आ गोटे कविता रही कपी करुवा जुवकटी जुवकटी जे कि आज परीक्षार्थी जार गुरु ना साधना ना संयमता ना कि सी हूँ आज परीक्षार्थी एवि दर्शाई कवि प्रकाश कर ओलट एकलव्य ये गुरु ना साधना ना अच्छी कौन चरम सिद्धि नपुंसक कामना सिद्धिपाई पुणी गुरु चौदह पुरुष दक्षिणा रूपे नहीं जावाक सदा प्रस्तुत यार हाथ इस्पात यह कवितार कवि जेपरी भाव कृष्ण पुत्र सांब निज पेटर बुजुली बांधि कौतुक बेश होबारे जेपरी जदुवंश ध्वंसर कारण है से हीपरी भाव देखिले आज परीक्षार्थी रूप भेक देखिले कही कह कौन ना शिक्षार भविष्य होउछि कौन अंधकारमय जे देखिबो से कौन कहबे ना शिक्षार भविष्य अंधकारमय साधना नाही अथच कौन रहिछि सफलतार सिद्धि रहिछि विडम्बना छड़ा आउ कौन होइ पारे ठीक से एपरि भाबरे अन्य एक चरित्र जहाँ कि नचिकेता से कविताटी दर्शाइछंती जे नचिकेता जे कि निज सिद्धि साधना बलरे से मृत्यु को किपर भाबरे जय करिछि तार साधनार चरम आदर्श समाज पई रखि जाइछि अथच आज छात्र जहाँ कि बिना साधना सिद्धि चरम गौरव अधिकारी हो पारे नचिकेता ना सढ़ी पची जा तार आदर्श साधना जहाँकि आज छात्र पाखरे अभाव ये दुईट चरित्र कथा कह नचिकेता चरित्र आ गोटे एकलव्य चरित्र ये दुईट चरित्र पचर जो मिथ रही सहित आज चेतनार मिथ को कवि कौन कर
ଛାତ୍ର ଜୀବନର କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟକୁ କବି ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏକଲବ୍ୟ, ସାମ୍ବ, ନଚିକେତା ଏହି ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମିଥ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କବି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଚିତ୍ରପଟ ଏ ଯେଉଁ କବିତା ସଂକଳନ ରହିଛି ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କବିତା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର କବିତା। କବିତାର ନାମ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କବିତା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ କବିତା। ଲକ୍ଷେ ଫାଇଲରେ ଯେମିତି ଗଢ଼ା ଏ ସହର, ସେ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅମଲାତନ୍ତ୍ରର ଶାସନରେ ଚାଲିଥାଏ ଏ ସହର। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଖଟିଖିଆମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନାଟିକା ୟା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଇଏ ଫାଇଲ ନୁହେଁ ତ ଯୁଦ୍ଧର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ଏଠି ପୁଣି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିମନ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଯିଏକି ଫାଇଲ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଦର ନିଅନ୍ତି। ଭୋକିଲା ପେଟରେ ହାହାକାର ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଯୋଜନା ସବୁକିଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମଉଳି ଯାଉଛି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣା ଭିତରେ ମାୟାବୀ ସହରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଡ଼େ, ରାତି ନୁହେଁ ଦିନ ଦୁଇ ପହରରେ କବି ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଧକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। କବି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଫାଇଲର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଇଏ, ଏଠି ଫାଇଲ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ଫାଇଲ ଫାସରେ ବନ୍ଧା ଲକ୍ଷ ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋହ ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୋହ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ କବିତା। ମିଥ୍ କେବଳ ଅତୀତର ଜ୍ଞାନ କି ଗରିମା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ବ୍ୟାପକତାର ଚିରନ୍ତନ ଅନ୍ୱେଷଣ। ସେଥିପାଇଁ କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ମିଛ ଆଜି ମିଛ ଜୟ ପରାଜୟ, ମିଛ ଜୟ ପରାଜୟ, କୌରବ ପାଣ୍ଡବ, ଗୀତା ଉଚ୍ଚାରଣ ପୁଣି ଧର୍ମର ସମ୍ଭବ। ସତ ଖାଲି ନୂଆ ନୂଆ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନୂଆ ନୂଆ ଶୂନ୍ୟତାରେ ନିଃସଙ୍ଗ ଆହୁତି। ସୌରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପଭାରତ ଓ ଅନୁଭାରତ ଏଇ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଦୁଇଟି, ଯିଏକି ମହାଭାରତର ଅନୁକ୍ରିୟା ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ସୌରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କର କେଉଁ କବିତା ଯାହାକି ମହାଭାରତର ଅନୁକ୍ରିୟାରେ ରଚିତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାହା ହେଇଯିବ ଉପଭାରତ ଓ ଅନୁଭାରତ, ଏଇ ଦୁଇ ଗୋଟି କବିତା ସଂକଳନ। ଏଥିରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ମିଥ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବାସ୍ତବର ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ମାନେ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ବେଶ୍ କ'ଣ କରିଛି ନା ଅତି ମଧୁର ଭାବରେ, ସରଳ ଭାବରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବି। ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ବସ୍ତ୍ରହରଣ, ସ୍ୱୟଂବରା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ, ଦ୍ରୌପଦୀର ଜହ୍ନ, ତୃତୀୟ ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି, ସୁଭଦ୍ରା ଆସୁଛି ପୁଣି, କାହିଁକି ଅଗ୍ନିସ୍ନାନ, ଅନ୍ତିମ ଅଳି ଦ୍ରୌପଦୀର, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କବିତା ଯଦି ଦେଖିବା, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କବିତାର ନାୟିକା, ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ସେ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିସ୍ନାତା ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ଯିଏକି ମହାଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା, ଏ ମଧ୍ୟ ଏ କବିତାଗୁଡ଼ିକର ନାୟିକା। ସ୍ୱୟଂବରରୁ ହିଁ ଯାଜ୍ଞସେନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟର ଅୟମାରମ୍ଭ ଘଟିଛି କିପରି ଭାବରେ ନା ମାଛ ଆଖିକୁ ତୀରଭେଦ କରି ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣାର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ନାରୀ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନର କୁହୁ ଦେବାରେ ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ ସମର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ତାହା କରିବାକୁ ଦେଲାନି। ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଦେଶରେ ଶିକାର ହୋଇକି କ'ଣ କଲେ ନା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀ ବରଣ କରିବାକୁ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ମାଳା, ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଗଳା, ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଆକାଶ, ହୋମଶିଖାର ଦେହରେ ଉଠିଛି ପୁଣି ଧୂଆଁର କୁଣ୍ଡଳୀ, ଶଯ୍ୟା ପୁଣି ପାଉଁଶର, କେଉଁ ନାରୀକୁ କେବେ ପଞ୍ଚସ୍ୱାମୀ ନେଇ ଖୁସି ହୋଇପାରେ। ନାରୀତ୍ୱର ଏଇ ଯେଉଁ ଅସହାୟତାକୁ କବି ଉପଭାରତ କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ସ୍ୱୟଂବରା, ସ୍ୱୟଂବରା ବା ସ୍ୱୟଂବର କବିତା କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାଉଁଶର ମାଳା ମୁହିଁ ଲମ୍ବି ଯାଏ ପାଞ୍ଚଟି ବୁକୁରେ, ପାଉଁଶର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ହସି ଉଠେ ପାଞ୍ଚ ଆକାଶରେ। ସେଇ ସ୍ୱୟଂବର ଦିନଠାରୁ ହିଁ ରୂପାଥାଳି ଜହ୍ନ ଉଇଲେ ମନରେ ତାଙ୍କର ଭରିଯାଏ ଉଆଁସ ଅନ୍ଧାର, ପୁରା ଜହ୍ନ ତଳେ ନିଜ ଲୋକଟିର ଚିହ୍ନା ଛାତିରେ ଆଖି ବୁଝି ଶୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପୁରା ସାରା ରାତି, ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପୁଣି ଜହ୍ନ ପରି ପ୍ରିୟ ଛାତିଟି ସବୁଦିନ ରହନ୍ତା କି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ, ତାରି ଉପରେ ମଥା ରଖି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବେଳେ ଜହ୍ନ ପରି ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତା ନାରୀତ୍ୱ, ହେଲେ ଭାଗ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ହେବ, କାହିଁକିନା ପୁରା ଜହ୍ନର ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଯାଇଛି ଅର୍ଥହୀନ। ଦ୍ରୌପଦୀର ଜହ୍ନ କବିତାରେ କବି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଜହ୍ନର ଭଙ୍ଗା ଦର୍ପଣରେ ମୁହଁ ଦିଶେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର, ଜୋଛନାର ଭଙ୍ଗା ଦୁକୁ ଦୁକୁ ମୋତେ ଦିଏ ନୂଆ ନିଶଙ୍କତା ପାଞ୍ଚଟି ଛାତି। ଏ ଯେଉଁ ଜହ୍ନର ଭଙ୍ଗା ଦର୍ପଣ, ଜୋଛନାର ଭଙ୍ଗା ଦୁକୁ ଦୁକୁ, ଯାହାକି ନାରୀର ସ୍ୱପ୍ନକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା କ୍ଷତାକ୍ତ କରିବାକୁ,
सूचाइबा माने क्षताक्त कर देसी सूचना प्रदान करछे। पांच प्रकार मुह पांचटी छाती पांच स्वामी को स्मरण कराई थाए। स्वप्न भंग परे निसंगतार राजत्व जहाँकि स्वाभाविक नारी मानसिकतार चिरंतन चित्र कवि ए कविता माध्यम उपस्थापना कर। जो कथा कहगला पांचटी छाती ही द्रौपदी निसंगतार कारण दुखर कारण से प्रति अत्याचार अंत घटिना। निर्जातनार जो निर्लज औद्धत्य विवस्त्रा करने को उद्यत जो राजसभार नारीत्वर चरम अवमानना घटी। वस्त्रहरण कविताटी को स्मरण करे वस्त्रहरण कविताटी कवि दर्शाई देती ना आगरे लोमस जंतुटीय तार हिंस हिंटाल चतुपाश्वरे सिंहासन रूढ़ नीरव राजन्य वर्ग नीरव कि पंचस्वामी देहरे धर्मर रुग्ण विभूति हाथ में न्यायर नपुषंक अस्त्र पथर देहरे पुणी नीरवतार विकल सिंदूर। ये जो कविता माध्यम कवि कौन कह चित्रकल्पर प्रयोग कर द्रौपदी मानसिकता नहीं जो व्यंग कर नीरव राज परिषद मार्ग को यठार कवि चित्रकल्प को प्रयोग कर चित्रकल्पर शक्तिशाली जो संयोजना यह मध्यम परिप्रकाश करता है ना परिवेश कौन ना भयंकर करुण परिवेश पंचस्वामी आउ राज परिषद वर्गों उपस्थिति जहाँकि द्रौपदी को कौन करा विवस्त्रा कर बड़ी नारी जीवन असहायता आउ कौन थे क्रंदन होठार अर्थहीन स्वामित्वर जो कर्तव्य से कर्तव्य रू पंचस्वामी न्याय धर्मर रक्षापी एठार स्वार्थपर भाव विरत असहाय भाव ईश्वर को स्मरण कर एकम्र पंथा हेले एहा केते बड़ लज्जा कर पंचस्वामी थाउ थाउ ईश्वर पाखरे अपना लज्जा ढालिबा तंको पई समर्पित हेबा सेति पई द्रौपदी एठारे प्रश्न पचारि छि जे पंचस्वामी को स्थविरता रे नारीत्वर मर्यादा आसिला केउठी ईश्वर पाखरे निर्लज समर्पण रे सतीत्वर सौभाग्य आसिला केउठी ए कोण पुनर्बार सतीत्वर समर्पण नुहे नारीत्वर अवमानना नुहे। द्रौपदी भितरे जो नारीत्वर असहाय करुण आवेगटी को संधान करिछन्ति निजे द्रौपदी कवि वस्त्रहरण कवितार सूचाई देइछन्ति जे केते करुण केते लज्जाकर प्रभु पंचस्वामी सम्मुखरे असहाय भावे तुम शरण पशिबा। नारीर सर्वश्रेष्ठ संपत्ति तार समर्पण से जो समर्पण टी स्वामी छड़ा कहा को देवा को प्रस्तुत नुहे ईश्वर को भी नुहे। द्रौपदी किंतु कौन करछि ना निरुपाय पंचस्वामी जो नीरवता ताकु बाध्य करिछि जे तांकरी सम्मुखरे दुई हाथ को उत्तोलन करी ईश्वर को अपना समर्पण बाढ़िबा को सेथिपाई तो ईश्वर को क्षमा करि पारंती नाही। जदि दुर्बुतंकु नाश करिबा ईश्वरंकर धर्म तेबे दुसार शिरच्छेद नकरी शाढ़ीर संबार जो सृष्टि ता प्रहसनर एक निर्लज आवश्यकता थिला सेथिरे कौन द्रौपदी सम्मान जो अक्षत रहिला कि तांको नारी सुलभ जो सल्लजता ता कौन सम्मानित हला कि ये सब जो प्रश्न गुड़िक द्रौपदी मनरे उंकी मारी प्रश्न को सूचाई देखते कवि गोटे प्रश्न तुमको कविता मध्यम द्रौपदी मनरे जो सब प्रश्न गुड़िक उंकी मारी कवि यहीपर भाव वर्णना करे सखा क्या पेशीदेल शाढ़ीर संभार दुषा को उत्साहित करने को जघन्य दृश्य अधिक आकर्षण भरवा को ना मो असहायता को अधिक असहाय करने को समग्र व्याकुलता और अभिमान नहीं द्रौपदी प्रश्न करिछे जदि तुम्हें दुशासन शिरच्छेदी न पारे हे ईश्वर तेबे मोर शिरच्छेदिल कौन पाए कवितार कवि यहीपर भाव दर्शाई मो शिरच्छेदिल लज्जारु खाली नुहे जीवनरु चिरमुक्ति मिली था मत छेदिल मो पांच स्वामी शिर तुम सत्यर धर्मरु अबा से माने मुक्ति पाई। द्रौपदी जो मानसिकता तार अन्य एक दिग कवि तृतीय प्रथम रात्रि सुभद्रा आसुची शुणी काहीकि
ए अग्निस्नात ए कविता मान सरी मानक द्रौपदी मानसिकतार अन्य एक दिग को कवि सूचित कराई अर्जुन को नहीं मध्य कवि केतेक कविता रचना करिसेंती जेपरी गीता पूर्वरु एकाकी क्षत्रिय द्वितीय मृत्यु स्वप्नरे भावित नथिली नुआ कुरुक्षेत्र पुणी ए कविता गुड़ी करे सबुठ रही अर्जुन प्रिय सखा कृष्ण सह तांको संपर्क पृष्ठभूमि आपणार विकल एकाकी जो एकाकी तो रही तार आविष्कार करिबार कथा जेउपरि भावरे बहु प्रतीक्षित युद्ध क्षेत्र में अर्जुन जे कि गांडीव हस्तरे दंडायमान होई स्वयं श्रीकृष्ण रथर सारथी होइथिले युद्ध क्षेत्र में जेतेबेले से सब तार प्रिय परिजन मानंकु देखिथिला एवं युद्ध करिबाकु अनिच्छुक थिला से समय रे काहाकु हत्या करिवे से सभ्यसचित व्याध नुहे शत्रुहंता वीर क्षत्रिय से राज्य पई भाई रक्त रे होली खेली केवेले से पारे ना से मारत पछे निजे मारी पारे ना से हूँ क्षत्रिय रक्त मंसर मनीष यहपर भाव से जो कविता गुड़िक मु कहली आपण मानक सब कवित अर्जुन आर प्रिय सखा कृष्ण संपर्क वर्णना गुड़िक देखा मिलता है ये तो कवितार कि कवित मिथ प्रसंग जहाँकि आम आलोचना कले प्रतीक और चित्रकल्पर प्रयोग गुड़िक देखा मिलता है जपर भाव आम शैली आलोचना प्रसंग में कविता रचन प्रतीक आ चित्रकल्प जो परंपरा रही आम जो देखा एखिले बहु गुड़े कविता से अति सुंदर भाव कवि प्रतीक आ चित्रकल्पर उपमा दे आम दुहे कविता संकलन पत्नी को सह संपर्क पृष्ठभूमि कवि एठारे चित्रकल्पर प्रकाश करिछंती खिली खिली हस घर बाहुड़ा बेले संजुआ चढ़ई जमी उड़ी जाता यहपर भाव से कौन कर चित्रकल्पर प्रयोग कर लुहठु भी अंतरंग कवित चित्रकल्पर प्रयोग देखा मिली थाए जेपर भाव गोटे कविता दि जाए कवितार धाड़ीटे तुम्हें रहीजी सूर्य जमी रही जाए काकर बिंदु अंधार जमी रही जाए सूर्यर छाती साइकेल बोली गोटे कविता रचना करिछंती कवि से कविता माध्यम रे चित्रकल्पर व्यवहार रही मोते धरी बाबू बसी जानती सफा करने को कौला छुआ को माँ मखामखी कलापरी बाबू मोते पोछी पोछी तेल दियंती कुंडेई देले गाई आखि बुझी बेक टेकिला परी मु आराम रे पड़ी थाए आउ बाबू मोते पोछु थांती होचे साइकेल कविता ए साइकेल कविता टी आमे दुहे कविता संकलन रो स्थान पाई एथिरे मध्ये चित्रकल्पर प्रयोग देखिबा पई मिलिछि मु आपण मनको तो किछि किछि कविता कहुछि काहेकि ना तांको प्रायतः कवितारे प्रतीक चित्रकल्पर प्रयोग देखिबा को मिलिथाय जेपरि भाबरे मिथ आलोचना कले सेहिपरि भाबरे चित्रकल्प प्रतीक गुडीको मात्र बहुमात्रा देखा मिलता है चहला छाई रे घड़ी यही कविता चित्रकल्पर प्रयोग देखा रही कौन ना कुराड़ी चोटरे डाल पर डाल छिड़ी पड़ू गछटी जमी बणदेमती सरी बणदेवती आगरे विकल से मईसी जा देहर छेला छेला मंस भोग काटी निया हो चहला छाई रे घड़ी कविता मु जाने तू पृथ्वी छायाहीन एक असरंती पथ दुस्वप्न परे दुसह एक उजागर राति आउ मु सकालर छल छल कुआ तारा बुहंता जह्नर काकर जुड़ुबुड़ु स्मृति ये होची अनुभारत कवितारे रही जो चित्रकल्पर प्रयोग चहला छाई रे घड़िए आपण मानक ये कवितांशटी वर्तमान कहली एथिरे मध्य चित्रकल्पर प्रयोग रही पढ़ बा न पढ़ गोटे कविता एथिरे मध्य चित्रकल्पर प्रयोग देखा मिलता है कवि दर्शाई नुआ लगे जमी सकाल कुहुड़ी हटिले भिन्ने लगे जमी पृथ्वी जह्न बुड़ा सिंदूरा फाटिले ये हूँ पढ़ बा न पढ़ कविता संकलन में व्यवहृत होता चित्रकल्प मु आपण मानक पिला माने केते कोटी उदाहरण देछि चित्रकल्प प्रतीक आ मिथ्र छंदर मध्य
ନହେଲେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ଭରପୁର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ମିଥ, ପ୍ରତୀକ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଆଉ ଛନ୍ଦର ଭରପୁର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। तो सौरिंद्र बारिकंकर कविता संकलन तांको कविता संपर्क तो पूर्वर आलोचना करथिले जो माने पूर्व आलोचनार भिडियोटी देखि नांती देखिदेबे तापर आजर आलोचनार आमे आपण बुझी सारिथिबे जो छंद मिथ प्रतीक आ चित्रकल्पर प्रयोग किपरि भावरे कवि अति सुंदर भावरे करिछंती ताहा आलोचना कले। बर्तमान आलोचनाटी को एठ शेष करिबा। आपण मानको आलोचनाटी किपरि लागिला आपण मानकर मतामत कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणंतु। वीडियो टी को लाइक करंतु, सांगसाथी मानको शेयर करंतु एवं जदि चैनल नुआ आउछंती चैनल टी को मध्य सब्सक्राइब करंतु। रहौछि, धन्यवाद।